अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फर्टिलिटी के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास इनफर्टाइल एग्ज़ आ रहे हैं। और एक प्रॉब्लम इसमें मैं और ऐड करता चलूँ कि दोस्त जो है वो मुझे पिक्चर सेंड करते रहते हैं, देखें ये ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल, ये ख़राब हो गई है, इसमें जो है वो नमी आ गई है, तो उसका जो है वो बताएं कि ये सही है या नहीं सही। देखिए मैंने यहाँ से पाकिस्तान से कभी भी कोई विटामिन्स या किसी किस्म की कोई भी कैल्शियम या ऐसा चीज़ नहीं ख़रीदता। आप जैसा कि सभी जानते हैं मैं अमेरिका में रहता हूँ, और जब मैं अमेरिका से आता हूँ तो मैं ओरिजिनल चीज़ अपने साथ लेके आता हूँ, अपने बर्ड्स के विटामिन वहीं से लेके आता हूँ, यहाँ से कभी नहीं ख़रीदे। यहाँ से सिर्फ जो है वो कोई हैंड फीड ख़रीदनी हो, जैसे कि मैं ट्रॉपिकन इस्तेमाल करता हूँ वो यहीं से ख़रीद लेता हूँ, या कोई और छोटी मोटी चीज़ चाहिए हो तो वहीं से ख़रीद लेता हूँ। लेकिन विटामिन्स में मैं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और मैं दिल की तसल्ली के लिए, अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ओरिजिनल मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये है कि मेरे दिल की तसल्ली होती है और मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ, साथ लेके आता हूँ। क्योंकि ये जो है मैं डायरेक्ट वीटाफॉर्म से उनकी कंपनी उनकी वेबसाइट पे जाएँ तो वो जो है वो सारे दूसरे ममालिक में डिलीवर कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं करते। तो अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर करके डायरेक्ट कंपनी से मंगवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इनफर्टिलिटी की जहाँ तक बात करें, और ज़रूरी नहीं कि आपका बर्ड जो है वो इनफर्टाइल होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि इनफर्टिलिटी जो है वो मेल में आती है, फीमेल में नहीं आती। फीमेल का काम है एग ले करना और मेल का काम है उन अंडों को फर्टाइल करना। अगर जो है आपके पास एक ऐसा पेयर है जिसकी फ़ीमेल की एवरेज बहुत अच्छी है, वो एग बड़े ज़्यादा देती है, तो आपको वो फ़ीमेल बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ीमेल अच्छी है, आपको मेल बेचने की ज़रूरत है जो कि इनफर्टाइल कर रहा है। और अगर आपके पास फ़ीमेल ऐसी है कि एक दो अंडे दिए उसने और प्रॉपर एग ले नहीं कर रही, एग का साइज़ छोटा है और मेल भी आपका इनफर्टाइल है, तो आप पेयर ही सेल कर दें, वही सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखिए छोटे परिंदे जो सस्ते हैं उसमें आपको इतनी एक्सपेंसिव विटामिन्स और मेडिसिन डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपको लग रहा है कि ये आपके पास इनफर्टाइल कर रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको सेल कर दें। हाँ, कुछ ऐसे बड़े बर्ड्स हैं जिसमें जो है वो मेल का मिलना मुश्किल है, जैसे अफ्रीकन ग्रे है, या आपका बहुत अच्छा कोई येलो रिंगनेक का पेयर है, आप उसको सेल नहीं करना चाह रहे, उसको ठीक ही करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है आप जो है वो कोई फर्टिलिटी की जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात आ जाती है कि आपके पास जो मेल है वो तो फर्टाइल है, लेकिन आपने जो उसके लिए स्टिक लगाई है वो ठीक नहीं है, वो प्रॉपर मेटिंग नहीं कर पा रहा। मतलब आप जो है वो पेयर, आपके पास जो पेयर है वो मेल ने जब फीमेल को क्रॉस करना है, उसके साथ मेटिंग जब करनी है, तो फीमेल का ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है। फीमेल अगर उसका पंजा उसका बड़ा है, मतलब रिंगनेक की फ़ीमेल है और आपने उसको बारीक से स्टिक लगा दी है और वो उस पर प्रॉपर अपनी ग्रिप नहीं कर पा रही, हिल रही, मूव कर रही है, तो भी आपके पास इनफर्टाइलिटी आएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो मेल है वो इनफर्टाइल है। इसके अलावा समटाइम जो है वो मेल की उंगलियों के नाखून और उसकी उंगली का होना बहुत ज़रूरी है। अभी मेल जो है उसकी एक नाखून नहीं है या पूरी उंगली नहीं है, ये दो उंगलियां नहीं है, और तो वो फीमेल के ऊपर कैसे ग्रिप करेगा, आपके पास फर्टिलिटी कैसे आएगी। तो उसको आप जितनी मर्ज़ी आप फर्टिलिटी की मेडिसिन देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका मेल के जो पंजे हैं उसकी जो ग्रिप है वो होना बहुत ज़रूरी है। उसको आप फर्टिविट दें, जो मर्ज़ी दें, लेकिन जब उसकी ग्रिप ही नहीं हो रही तो वो ब्रीड कैसे करेगा, वो आपको फर्टिलिटी कैसे देगा, ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। दूसरा ये कि आपके पास अभी जो पेयर है वो मेच्योर ही नहीं हुआ, उसकी एज ही पूरी नहीं हुई, तो वो फर्टिलिटी कैसे आएगी उसमें, वो कैसे फर्टाइल करेगा। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको ज़हन में रखेंगे और अगर आपको लगता है कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक है फिर भी इनफर्टिलिटी आ रही है, तो फिर जो है वो आप कोई भी फर्टिलिटी की मेडिसिन यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं एवियाग्रा के नाम से, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, ये इस्तेमाल करता हूँ। और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जी आप फर्टिविट यूज़ करें, फर्टिविट यूज़ करें, तो इस साल जो है पिछले साल मैंने फर्टिविट ख़रीदी थी, लेकिन मैं इसका बॉक्स ओपन नहीं किया था क्योंकि वह ऑलरेडी मेडिसिन पड़ी हुई थी।
तो आप जो है वो इसका इस्तेमाल करें, फर्टिबिट का इस्तेमाल करें, और अगर आपको लगता है कि आपको वाकई ज़रूरत है फर्टिलिटी के लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिला वजह ऐसा पैर जो ऑलरेडी माशाल्लाह 5-5, 6-6 बच्चे दे रहा है और आप उसको भी फर्टिबिट दे जा रहे हैं तो वो ज़रूरत नहीं है उसको। आप जो है पहली ब्रीड लेंगे, उसके बाद देखेंगे किन पैर को ज़रूरत है जो कि इनफर्टिलिटी कर रहे हैं, या ऐसे पैर जो कि मतलब 4 अंडे दिए 5 अंडे दिए, 1 बच्चा निकला 2 बच्चे निकले, तो उनको जो है वो आप फर्टिबिट का इस्तेमाल करेंगे। सारे परिंदों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है कि ये मेडिसिन जो है ये पिक्चर सेंड करते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो इसके बारे में मैं ओरिजिनल है या नहीं है नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग दिखाते हैं कि उसका कलर चेंज होता है, उसमें जो है ना वो गोल गोल सी मेडिसिन के में नमी आ जाती है, तो वो कहते हैं कि क्या ये डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पिछले साल मैंने आधा डब्बा इस्तेमाल किया था और आधा डब्बा वैसे ही पड़ा है, मैंने इसका ढक्कन जो है वो ओपन नहीं किया। बरसात के दिनों में हमेशा जब इसमें नमी आती है तो ये ख़राब हो जाती है, ख़राब मतलब ये नहीं कि जहरी पॉइजन बन जाता है। और ये जो है ये भी पिछले साल का डब्बा पड़ा है और इसको जो है मैंने ओपन ही नहीं किया, ये बिल्कुल पैक है, सील पैक है। तो देखिए जब भी वाइटमिन्स का डब्बा ओपन होगा और चाहे वो ओरिजिनल हो या जो भी हो, उसमें नमी आएगी बरसात के मौसम में। इसलिए मैं, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने वाइटमिन से बनाई है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है और वीडियो के एंड पे मैं लिंक दे दूंगा, वो लाजमी देखिएगा। तो अगर तो बॉक्स ओपन हो गया, कोशिश करें कि जो आपने ब्रीडिंग सीज़न में वाइटमिन या मेडिसिन जो कैल्शियम लिया है वो ऑफ सीज़न में ख़त्म कर दें। अगर आपके पास ज़्यादा है तो किसी के साथ शेयर कर लें, लेकिन वो रखें नहीं, रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अब ये जो है ये मेरे पास ओरिजिनल है, 200% ओरिजिनल है, जो कि मैंने वीटा फार्म से डायरेक्ट जो है वो मंगवाई है, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में मैंने उसको पे किया है और उन्होंने मुझे अमेरिका में डिलीवर की। तो कैमरा थोड़ा क्लोज़ करते हैं और दिखाते हैं कि ओरिजिनल जो जिसका डब्बा मैंने संभाल के रखा था उसका क्या हुआ, और आपको फर्टिबिट का ओरिजिनल का बॉक्स भी ओपन करके दिखाते हैं कि ओरिजिनल अंदर से देखने में कैसी लगती है। जी फ्रेंड्स, तो ये सॉल्वेंट डी ब्रीडर है, इसका डब्बा खोलते हैं। ये पिछले साल का जो है वो मैंने संभाल के रखा हुआ है, और मैं जब पिछले साल जब इसका बॉक्स ओपन किया था तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये येलो कलर का था और येलो कलर का दानेदार पाउडर था, और बिल्कुल जो है ना इसमें बिल्कुल नमी नहीं थी, 1% भी नहीं थी। और मैंने इसको इस्तेमाल किया और आधा डब्बा जो है मैंने रख लिया वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मैं इसका बॉक्स खोलता हूँ और इसको मैं आपको अंदर से निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखें जनाब, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है तो ये देखें, इसमें गुटलियाँ बन चुकी हैं और इसका कलर जो है वो येलो नहीं रहा, डार्क येलो, जैसे जर्दे का रंग होता है वैसा इसका कलर होता है। अब ये इसका कलर जो है ये ब्राउन हो चुका है और इसमें ये नमी आ चुकी है। तो वैसे तो जो है ना दोस्त कहते हैं कि ये ऐसे 2 नंबर होती है, लेकिन ये मेरे पास तो 2 नंबर नहीं है, लेकिन इसका कलर भी चेंज हो गया है और जो है इसमें जो है दानेदार जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये नमी आ चुकी है। तो देखिए मेरे पास लाखों रुपए के परिंदे हैं, अगर ये मुझे पता है ओरिजिनल है और ये मुझे भी पता है कि बर्ड के लिए मैं भी नुकसानदेह ना हो, लेकिन ये बर्ड को फ़ायदा नहीं देगी। अगर ऐसी मेडिसिन जो डब्बा जिसका खुल जाए, एक डब्बा अगर 4 साल भी पड़ा रहे लेकिन वो अगर उसकी पैकिंग प्रॉपर हुई और वो खुले नहीं, तो उसमें नमी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और अगर बॉक्स खुला होगा, चाहे वो ओरिजिनल हो या जो भी हो, उसमें नमी आएगी। जब बॉक्स खुलेगा तो नमी आएगी, ये इसमें जो है ना ये नमी के लिए ना आए इसलिए पैकेट भी है, लेकिन फिर भी इसमें नमी आ गई है। अभी आप मुझे बताएं, क्या ये, मुझे तो पता है ओरिजिनल है लेकिन ये बर्ड को मे भी फ़ायदा ना दे, लेकिन बर्ड का नुकसान भी नहीं करेगी। तो मेरे पास लाखों रुपए के परिंदे हैं और ये चंद हज़ार की मेडिसिन देने का आपका क्या ख्याल है, मुझे ऐसा रिस्क लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं अगर लाखों रुपए के परिंदों के लिए हज़ारों रुपए उनके फूड पे और उनके वाइटामिन पे खर्च कर सकता हूँ, तो ये अगर ज़ाया भी हो जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। हो सकता है उससे फ़ायदा हो ना हो, हो सकता है बर्ड एक्सपायर हो जाए, क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मेडिसिन है जो पुरानी पड़ी है और उसमें नमी आ चुकी है, ऐसे ऐसे जो है ना वो बन चुके हैं और आपको पता है कि ये सही है, तो क्या ज़रूरत है आपको अपने बर्ड पे एक्सपेरिमेंट्स करने की, उसका रिस्क लेने की? आप उसको फेंक दें, मेरा मशवरा यही है कि आप उसको फेंक दें, मत इस्तेमाल करें।
और जहाँ तक इसकी एक्सपायरी की बात करें तो अभी अगर आप मेरा कैमरा आपको इसकी एक्सपायरी दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी नवंबर 2020 तक वैलिड है, ठीक है, ये एक्सपायर नहीं है, लेकिन इसमें नमी आ चुकी है। तो मैं इसको जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसके लिए नए वाइटामिन लेके आऊँगा। मुझे अपने बर्ड पे रिस्क लेने की, एक्सपेरिमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फर्टिबिट की। तो फर्टिबिट का जो पैक है ये भी मैंने पिछले साल लिया था, लेकिन मैंने इसको ओपन नहीं किया था। तो मैंने फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं वो दो नंबर हो, दो नंबर ज़रूरी नहीं कि दो नंबर में ही गुठलियाँ बने या उसका ही पाउडर ख़राब हो। जब उसका डब्बा, ओरिजिनल का भी डब्बा खुलेगा तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। ये जो है ये भी मैं बाहर से ही लेके आया हूँ और ये भी 200% ओरिजिनल और एक नंबर चीज़ है। और इसका बॉक्स मैंने पिछले साल ओपन नहीं किया था इसलिए कि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरा ये कि इसका फ़ायदा ये हो गया कि ये एक साल पड़ी भी रही। और अब हम चेक करते हैं कि फ्रेश स्टॉक जो होता है वो या पुराना स्टॉक पड़ा हो, आपके पास पुराना डब्बा पड़ा हो, लेकिन जब तक उसका बॉक्स ओपन नहीं होगा तो अंदर से देखने में कैसी लगेगी। तो क्या आपके पास जो फर्टिविट है वो अंदर से देखने में ऐसी ही है? तो आइए बॉक्स खोल के देखते हैं। और ये बिल्कुल सील पैक है, ये बॉक्स अभी एक दफ़ा भी नहीं खुला, बिल्कुल पैक बॉक्स है। और मैं अब इसको खोलने वाला हूँ और देखिए और बताइए कि क्या आपके पास जो ओरिजिनल फर्टिविट है बिल्कुल ऐसी ही है। ये बिल्कुल पैक है, मैंने इसको नहीं खोला। ये याद रखें जो ओरिजिनल चीज़ होगी उस पे ये सील ऐसे लगी होगी, हो सकता है दो नंबर पे भी लगी हो, लेकिन कोशिश करें कि जब भी विटामिन या जो भी ऐसी कोई चीज़ खरीदें किसी अच्छे स्टोर से ख़रीदें, या अगर आपका कोई जानने वाला बायर है तो कोशिश करें उससे मंगवा लें। तो ये बिल्कुल पैक है, अभी मैं इसको खोलता हूँ और आपको अंदर से दिखाता हूँ कि जिसमें नमी नहीं होती और वो ओरिजिनल चीज़ देखने में कैसी लगती है। जी जनाब, तो ये मैंने खोल लिया है डब्बा और ये डब्बा अंदर से देखने में ऐसा है और ये इसमें पता नहीं क्या चीज़ डाली हुई है, ये भी निकाल लेते हैं। तो क्या आपके पास जो फर्टिविट है उसका जब बॉक्स खोलते हैं तब क्या आपको देखने में ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसा नहीं लगता तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और इसके साथ साथ ही मैं आपको इसकी डोज़ भी बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने इस्तेमाल करनी है तो ये इसमें एक स्पून होगा जो एक ग्राम का होगा। स्पून भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये स्पून इसमें से निकला है और ये एक ग्राम का स्पून है और ये आपने 250 ml वाटर में एक ग्राम डालना है। मतलब जो हाफ लीटर की बोतल होती है उसमें आपको एक ग्राम डालना है और कोशिश करें कि जो है वो 10 से 15 दिन या 20 दिन का एक कोर्स करवा दें जिनको प्रॉब्लम आ रही है। सब बर्ड्स को देने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर कहता चलूँगा बर्ड की निशानी लगा लें, बर्ड पे निशान लगा लें, जिन बर्ड को ज़रूरत है, जिन पेड्स को ज़रूरत है उनको आप जो है वो 10 से 15 दिन का एक कोर्स करवा दें, 20 दिन का कोर्स करवा दें। जब एग ले कर दें तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसको बंद कर दें। ऐसे बर्ड जिन्होंने ऑलरेडी अंडे दिए हुए हैं, जिनके बच्चे निकले हुए हैं, उनको भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।